जनपद मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र के गांव मोहनपुर में एक किसान की मौत हो गई। किसान पिछले 3-4 दिन से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज पैसा ना होने के कारण सही नहीं हो पा रहा था। परिवार वालों का कहना है कि रात करीब 1 बजे शौचालय में शौच के लिए गए थे, फिर 1 घंटे तक वापस नहीं आए तो हमने देखा शौचालय में पड़े हुए थे। आनन फानन में डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सरकार द्वारा आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। यदि हमें सरकार की इस योजना का लाभ मिल जाता तो शायद इरफान की जान बच जाती। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा उपजिलाधिकारी कुमार पंकज को फोन कर सूचना दी गई कि हमारे गांव में एक किसान की ठंड लगने से मौत हो गई है। सूचना पर SDM कुमार पंकज व तहसीलदार राजेश कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और निरीक्षण किया। पीड़ित परिवार का दर्द सुन मदद का आश्वासन दिया गया। SDM कुमार पंकज ने बताया कि घटना स्थल पर तहसीलदार राजेश कुमार, कानून को लेखपाल और सचिव मौके पर पहुंचे। परिजनों से PM के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और कुमार पंकज द्वारा बताया गया कि उनके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 और ब्लॉक की तरफ से 10,000 उनके खाते में डलवा दिए गए हैं। तहसील द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनके परिवार को उन योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। एक गाँव मोहनपुर है हमारे कुंदरकी ब्लॉक में, वहाँ पे सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैं FLC कराने हैं तो जो है मुरादाबाद में था, मैंने तहसीलदार को वहाँ भेजा। बाद में 12 बजे के बाद मैं भी वहाँ पे पहुँचा और जिले से DM साहब की प्रतिनिधि के रूप में ADM FR मैडम रीति जसवाल मैडम भी वहाँ पे आई थी और हम लोगों ने मृत्यु का कारण जानने के लिए परिवार से रिक्वेस्ट की कि इसका पोस्टमार्टम डेड बॉडी का कराया जाए, जिसको उन लोगों ने मना कर दिया। तो मृतक जो इरफान है उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सकता। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है उसके अंतर्गत जो पैसा दे है वो हम लोग दे रहे हैं। परिवार काफ़ी गरीब था, 2011 में तहसील की तरफ से उसे आवास का पट्टा हुआ था, उसको और उसके भाई को। दो भाई हैं उसके, एक भाई उसका दूसरे गाँव में रहता है, दो भाई उसी गाँव में रहते हैं, दोनों को आवास का पट्टा हुआ था। तो वो जो है आवास लेकिन पक्का नहीं बना हुआ था, ईंटें थी, ईंट के चारों तरफ वो थे और ऊपर एक वो वाली छत थी, लकड़ी वाली कच्ची वाली जो छत होती है, तो वो वाली छत थी। तो हम लोगों ने अपने तहसील से भी जो संभव मदद हो सकी, 10,000 रुपये हम लोगों ने डेड बॉडी वगैरह जो काफ़ी गरीब लोग थे तो उन्हें वो करने के लिए हम लोग तहसील से उसकी मदद की है। ब्लॉक से भी कुछ इतना ही पैसा वो लोग जो है उनके अकाउंट में अभी शाम तक ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत हम लोग लाभ देने की मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे कहा कि अगर इनका PM हो जाता है तो हो सकता है हम इनको कुछ और बड़ी मदद दे सकें, लेकिन परिवार ने धार्मिक कारणों से PM कराने से मना किया।